हम सभी ने अपने घरों के आसपास, सड़क किनारे, पथरीली मिट्टी या खेल के मैदान के आसपास एक प्रकार का कांटेदार पौधा देखते हैं, जिसमें पीले रंग के फूल होते हैं। हम में से लगभग सभी लोग इसे खरपतवार समझकर इस पौधे को नष्ट कर देते हैं या किसी भी प्रकार से उपयोग में नहीं लेते हैं। लेकिन शायद आप लोगों को यह नहीं पता कि इसमें कितने औषधीय गुण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे कांटेदार अफीम भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिकित्सा तत्व विज्ञान में। और इसे पंजाब में सत्यानाशी का पौधा भी कहते हैं। सत्यानाशी के पौधे को कटुपर्णी, कांच छीरी, स्वर्ण छीरी, पीत दुग्धा, स्या काटा, भड़माड़, पीला धतूरा, फिरंगी धतूरा, मील धात्रा, काटे धोत्रा, दारूड़ी, कटसी, भटकटैया, करियाई आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों, आप सभी चकित हैं ना? 10 में से 9 लोग इसे कचरा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब की बार यदि यह पौधा आपको मिल जाए तो आप इसका उपयोग त्वचा के रोग, घाव भरने, मच्छरों को दूर करने, ब्रोंकियल अस्थमा, आँखों, पेट दर्द, खांसी या मूत्र संबंधी आदि के आयुर्वेदिक उपचार के लिए कर सकते हैं। एनाल्जेसिक, एंटी स्पाजमोडिक से भरपूर सत्यानाशी में हेलुसिनोजिनिक, शामक, एंटी बैक्टीरिया, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं, जिनका उपयोग कर हम बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इस सत्यानाशी के पौधे का उपयोग कर हम अपने होने वाले ब्रोंकाइल अस्थमा व खांसी तथा आँखों के रोगों का उपचार कर सकते हैं। ब्रोंकाइल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सत्यानाशी का उपयोग फायदेमंद होता है। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए आप सत्यानाशी पौधों की जड़ें निकालकर सुखा लें। सूखी हुई जड़ों को पीसकर पाउडर बनाएं और दूध या पानी के साथ इसकी आधा ग्राम या 1 ग्राम मात्रा का सेवन करें। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना चाहिए। यह कफ छोड़ने में मदद करता है। इस पौधे से निकलने वाले दूध की 4 से 5 बूंदों को चीनी में मिलाकर भी उपयोग किया जा सकता है। आप इसकी पत्तियों का काढ़ा भी तैयार कर सकते हैं और इस काढ़े में बेंजोइक एसिड मिलाकर गोलियां तैयार करें। यह भी अस्थमा रोगी के लिए बेहद फायदेमंद होता है। खांसी के लिए आधा लीटर पानी में 1 या 2 सत्यानाशी पौधे के रस को मिलाकर उबालें। जब यह गाढ़ा होने लगे तो इसमें 60 ग्राम गुड़ और 20 ग्राम रॉल रेजिन, जिसे कहते हैं, मिलाएं। जब यह अच्छी तरह मिल जाए तो इसे ठंडा कर इसकी गोलियां बना लें। रोगी को दिन में 3 बार 1-1 गोली पानी के साथ दें। यह खांसी के लिए बहुत ही लाभदायक है और साथ ही अस्थमा में भी अत्यधिक राहत देता है। किसी भी प्रकार के आँख विकार को दूर करने में सत्यानाशी का उपयोग फायदेमंद होता है। सत्यानाशी पौधे के दूध की 1 बूंद गाय के दूध की 3 बूंद के साथ मिलाकर आँखों में लाइनर के रूप में इस्तेमाल करें। यह आँख के सूखापन, लुकोपा और अंधापन को ठीक करने में मदद करता है। सत्यानाशी दूध की 1 ग्राम मात्रा को 50 ग्राम गुलाब जल में मिलाकर आँखों में 2-2 बूंद प्रतिदिन सुबह शाम डालें। यह आपकी आँखों की लालिमा और नेत्र संबंधी विकारों को दूर करने में मदद करेगा। रोजमेरी के रस के साथ सत्यानाशी पौधे के रस को मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। यह भी आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे? वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट द्वारा जरूर पूछें। मैं जल्द ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।